अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने मुसलमानों को बेशर्म बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने देश में 800 सालों तक राज किया है, वह अगर खुद को पिछड़ा कहते हैं तो यह उनके लिए शर्म की बात है। आपको बता दें कि ये बात स्वामी ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी के उस ट्वीट पर कही, जिसमें ओवैसी ने मुसलमानों के लिए आरक्षण देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पाटीदारों को आरक्षण देने पर राजी हो गई है, लेकिन मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कुछ नहीं किया, जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हार्दिक पटेल द्वारा कांग्रेस की सहमति के ऐलान किए जाने के बाद ओवैसी ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया था और मुस्लिमों के आरक्षण के लिए मोर्चा खोलने की बात कही थी। एक निजी चैनल के मुताबिक स्वामी ने कहा, देश में ब्राह्मण गरीब है, क्षत्रिय भी गरीब है, लेकिन वे लोग आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बेशर्मों की तरह आरक्षण की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ओवैसी वास्तव में किसी पिछड़े व्यक्ति का नाम बताते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप दे सकते हैं और दूसरे रूप से भी उनकी मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।